बिहार के सीएम नीतीश कुमार मुसलमानों और मदरसों पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान नजर आ रहे हैं। बिहार के हर जिले में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण हो रहा। नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि मदरसों को अपग्रेड कर डिग्री कॉलेज बनाया जाएगा। बिहार में मदरसे पर मची महाभारत के बीच बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताकर सियासी बवाल मचा दिया है। मदरसा का भी काम शुरू करवाए तो आपको मालूम है कि पहले मदरसा किसी को मिलता था कि जो भी हो इसको एक एक चीज की जानकारी मिले। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के मदरसों पर दिए गए इसी बयान से बिहार की सियासत में बवाल मचा है। क्या नीतीश कुमार बिहार के मदरसों में सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की पढ़ाई शुरू करवाने वाले हैं? मदरसों पर मेहरबान बिहार के सीएम नीतीश कुमार, मदरसों में होगी सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की पढ़ाई। बिहार के मदरसों में मिलेगी हॉस्टल की सुविधा। नीतीश के राज में बिहार के संस्कृत विद्यालय उपेक्षित। बिहार में समाधान यात्रा पर निकले नीतीश कुमार इन दिनों अलग अलग जिलों में जाकर जनता का मन टटोलने के साथ विकास की जमीनी हकीकत खुद देख रहे हैं। सिवान जिले के मदरसा इस्लामिया अरबिया नईमिया पहुंचे नीतीश कुमार ने भवन को शानदार बनाने का आदेश दिया, फिर मंच से ऐलान किया कि बिहार के सभी मदरसों को आधुनिक बनाया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो मदरसों को अपग्रेड किया जाएगा, डिग्री कॉलेज भी बनाया जाएगा। मदरसा का भी काम शुरू करवाए तो आपको मालूम है कि पहले मदरसा किसी को मिलता था तो हम लोगों ने तो सब कुछ किया और कहा कि मदरसा की भी स्थिति करेंगे उनका, जहां पर भी उसको आगे और बढ़ाना होगा। अब पढ़ाई का जैसे जो पढ़ाते थे जितना उससे ज़्यादा और सब चीज़ भी पढ़ाएं, साइंस के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में, हाँ तो हर चीज़ के बारे में जो बताया गया तो उसी हिसाब से कर रहे थे, हमको अच्छा लगा। कुछ दिन पहले पटना में नीतीश कुमार ने बयान दिया था कि वक्फ के पास काफी जमीन पड़ी है, अगर वक्फ बोर्ड वो जमीन देने के लिए तैयार है तो सरकार उस पर अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल का निर्माण कराएगी। बिहार के मदरसों पर नीतीश कुमार की मेहरबानी के बाद अब बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताकर नया सियासी बवाल मचा दिया है। ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। बिहार में सीमांत इलाकों में तेजी के साथ बन रहे मदरसों पर सवाल उठाने वाली बीजेपी नीतीश कुमार पर तुष्टिकरण का आरोप लगाकर निशाना साध रही है। बिहार सरकार के फैसले से बौखलाई बीजेपी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि मदरसों में कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जाता है, मदरसों का इस्तेमाल कट्टरता सेंटर के तौर पर किया जाता है, कट्टरवादियों के डर से नीतीश कुमार ने फैसला लिया है। राज्य के अंदर कई मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के चलाए जा रहे हैं। बिहार के पूर्व मंत्री देवेश मिश्रा ने कहा कि नीतीश कुमार मदरसे के बहाने अल्पसंख्यकों को रिझाने में जुटे हैं। देखिए, मदरसा के अंदर रूल है, एक मदरसा से दूसरे मदरसा के बीच की दूरी 4 किलोमीटर होनी चाहिए। दम है इस सरकार में तो आज जांच करा दे, एक एक गांव में दो दो मदरसा चल रहा है। जब आप जांच में जाइएगा तो इसकी कुर्सी टेबल उठा के उस मदरसे में, और इसकी जब जांच होगी तो इसके विद्यार्थी को बुला के उस मदरसे में। और एक नया ट्रेंड आया है, बनाते मदरसा बना करके सरकार के पैसे को लूट रहे हैं, तो ये बिहार के जनता के गाढ़ी कमाई का पैसा है, इस प्रकार से हराम में लुटाने की इजाज़त कम से कम भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। बीजेपी का आरोप है कि बिहार में संस्कृत विद्यालय के हालात अभी भी आदिम युग से बेहतर नहीं हो पाए हैं। बिहार में लगभग 3,500 मदरसे हैं जिनमें लगभग 6 लाख बच्चे पढ़ते हैं। बिहार सरकार मदरसा शुद्धिकरण योजना चला रही है, मदरसों को विकसित किया जा रहा है, हर जिले में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण हो रहा है, इंटरनेट सुविधा देकर हाईटेक तकनीक से पढ़ाई की व्यवस्था हो रही है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने 100 बेड की क्षमता वाले छात्रावास एवं कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण, कंप्यूटर लैब, ई लाइब्रेरी की स्थापना को लेकर 28,61,00,000 रुपए जारी किए हैं। नीतीश सरकार में शामिल राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश सरकार के फैसले की शिक्षा की बेहतरी के लिए जरूरी बताया है। देखिए, सराहनीय कदम है और माननीय मुख्यमंत्री जी अल्पसंख्यक समाज के जो शिक्षा है और जो शिक्षा का स्तर है उसको बेहतर बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और लगातार इस पर कार्य किया जा रहा है।
मदरसा की तालीम जो बुनियादी तालीम अकलियत समाज का, उसकी मजबूती से अकलियतों को तालीमी माहौल बेहतर बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। जेडीयू के नेता और बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान नीतीश कुमार पर बीजेपी के तुष्टिकरण के आरोप को गलत बता रहे हैं। जमा खान को भरोसा है कि इस फैसले से बिहार के युवाओं को ही फायदा मिलेगा। सबके ऊपर ख्याल रखते हैं, जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है इसके बराबर गंभीर रहते हैं हर समाज को लेकर। ऐसा नहीं कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन मंदिर है, कौन मस्जिद से मतलब नहीं है। उससे मतलब है कि बिहार में रहने वाले कोई भी नागरिक, कोई भी जनता है, उसका ख्याल रखते हैं और शिक्षा का लेकर बराबर चिंतित पहले से भी रहे हैं, जो आपसे छिपा हुआ नहीं है, उसको लेकर हर मामला में गंभीर रहकर इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी यूपी बिहार से लेकर पूरे देश के मदरसों के सर्वे की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ साल 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों को अपने पाले में करने के लिए मुसलमानों के लिए खजाना खोलने को तैयार हैं। बिहार में हुए उपचुनाव में अल्पसंख्यक का वोट बटने से नीतीश कुमार बेचैन नजर आ रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए मदरसों पर मेहरबानी करने को तैयार है। कहने को तो हिंदी और उर्दू में माँ मौसी का रिश्ता है, मगर बिहार की सियासत में इन दिनों हिंदू और उर्दू को लेकर जो राजमाइश चल रही है, दरअसल सियासी घमासान मदरसे की अपग्रेडेशन को लेकर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मदरसे को हम बेहतर करेंगे, बीजेपी कह रही है मदरसे को बेहतर करने की बजाय मदरसे का सर्वे क्यों नहीं करवा लेते, और सिर्फ मदरसे की बेहतरी क्यों, क्या ये तुष्टिकरण की राजनीति नहीं है। बीजेपी इन तमाम सवालों पर नीतीश कुमार को घेर रही है और नीतीश कुमार हैं कि अरे हुए हैं कि हम तो अल्पसंख्यकों के कल्याण की बात करते रहेंगे। बिहार के संस्कृत विद्यालय की उपेक्षा को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। बिहार के छात्रों को वेद और ज्योतिष विद्या की शिक्षा के लिए बनारस और प्रयागराज जाना पड़ता है और नीतीश सरकार मदरसों पर दिल खोलकर पैसे लुटा रही है। संस्कृत विद्यालय और संस्कृत शिक्षक लंबे समय से अनुदान की बाट जो रहे हैं। संस्कृत को देव भाषा बताकर बीजेपी हुंकार भर रही है कि संस्कृत और संस्कृति के बिना हिंदू सनातन धर्म कैसे चलेगा। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।